गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज डे है, थर्ड डे है इधर दार्जिलिंग में, और आज आए हैं टाइगर हिल देखने। दार्जिलिंग आए और टाइगर हिल ना देखे तो क्या देख लिए। तो दार्जिलिंग आके टाइगर हिल इज़ ए मस्ट प्लेस टू विजिट। तो यूजुअली दार्जिलिंग से सुबह 4 से 4:30 बजे का आपको कैब मिल जाएगा जो यहाँ तक आपको पहुँचा देगा आधे घंटे में। फिर आपको थोड़ा बहुत चल के ये टॉप पे आना है और यहाँ से आपको दिखेगा द बेस्ट व्यू ऑफ कंचनजंगा, और सनराइज़ व्यू यहाँ से सबसे बढ़िया दिखता है क्योंकि दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम दार्जिलिंग, यू कैन रीच इजीली। अभी मॉर्निंग हो चुका है, आप माउंटेन आज देखो, वेदर इतना साफ है, पूरा क्लियर व्यू आ रहा है कंचनजंगा का। और मॉर्निंग में जो सनराइज़ वाला मतलब जो लाइट था वो मतलब द बेस्ट सनराइज़ आई हैव एवर सीन। तो अभी यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने पिए दीदी से, और दीदी ने मेरे को बताया कि ये पहाड़ का नाम टाइगर हिल क्यों पड़ा, वो इसलिए है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट रहा करता था, जो इसलिए कि यहाँ से जो चाइना और नेपाल बॉर्डर है वो बहुत नज़दीक आता है, तो इसलिए यहाँ पे वो, और वो ग्रुप का नाम था टाइगर ग्रुप जो गोरखा रेजिमेंट था, तो इसलिए ये पहाड़ का नाम पड़ा टाइगर हिल। और वैसे भी ये आसपास के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ से सबसे अच्छा व्यू भी दिखता है। तो रोज़ मतलब डेली का बात है कि इतना भीड़ होता है यहाँ पे, और सब लोग आके ये जो आप पीछे कंचनजंगा का व्यू देख रहे हो इसका सनराइज़ का मज़े लेते हैं। आज वेदर बहुत साफ है, तो दूर में एवरेस्ट माकालू और लोत्से भी दिख रहा है, और एक चीज़ है कि आप जब भी ये ट्रिप बुक करो होटल से तो ये बात कंफर्म कर देना कि आपको 4:10, 4:15 तक आपका ड्राइवर आपको पिकअप करने होटल आ जाए, वरना प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लेट हो जाओगे तो यहाँ पे गाड़ी का जो है ना वो क्यू लग जाता है और पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तब ड्राइवर क्या करेगा, आपको बीच रास्ते छोड़ देगा 1 किलोमीटर आगे, और बोलेगा कि आप पैदल ऊपर चले जाओ। तो ज़्यादातर ड्राइवर यही करते हैं कि जानबूझ के लेट करके आते हैं और बताते हैं कि आप यहाँ से आगे चले जाओ। जैसे हमारा ड्राइवर 4 बजे मैंने जब कॉल किया वो बोला कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं, पर वो 4:45 पे आया। तो ये चीज़ मुझे भी पता नहीं था, मैंने ये फेस किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कंफर्म करके फिर ही आना। ऑन द वे बैक फ्रॉम टाइगर हिल ये एक मॉनेस्ट्री आता है, घूम मॉनेस्ट्री, तो ये भी विजिट करके फिर जाते हैं। अभी मैं आया हूँ दार्जिलिंग ज़ू पे,
तो ये जस्ट अभी पीछे गेट है, यहाँ से एंट्री करके ये है इसका पूरा मैप और कहाँ कहाँ क्या क्या एनिमल्स है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, यहाँ का फेमस है पांडा, रेड पांडा एंड स्नो लेपर्ड। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है। ये है पांडा वाला एरिया और यहाँ पे साइलेंट रहना था, हम साइलेंट नहीं थे तो पांडा अंदर चला गया। अब पता नहीं ये कब निकलेगा। थक गए जू में घूमते घूमते। वैसे काफ़ी सारे स्पीसीज दिखे यहाँ पे, जैसे लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, स्नो लेपर्ड। और इसके लिए वेदर भी ठंडा चाहिए तो यहाँ पे है। जैसे ब्लैक बियर मेरा बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बैठा है, बिल्कुल पास है ये, तो हो गया। उसके साथ ऊपर म्यूज़ियम भी घूमा है, उधर अंदर में फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड है तो नहीं किया। अभी घूमते घूमते ऑलरेडी 2:30 बज गए, अभी जाना है। और एक चीज़ है, दार्जिलिंग में पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। आप अगर खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो तो मतलब हर जगह पार्किंग करके 1-1.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा कहीं पे जाने के लिए। जैसे ये जू में आने के लिए नीचे PWD का जो पार्किंग है वहाँ पे पार्किंग करना पड़ता है। वहाँ भी पार्किंग करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब वहाँ के जो लोकल व्हीकल्स है, टूरिस्ट व्हीकल, उससे ही भरा हुआ है। मतलब जगह मिलना भी, पार्किंग करने के लिए जगह मिलना भी काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। तो अगर खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि ये PWD में जो पार्किंग है, यहाँ पे पार्क करके आप ये जू में आ सकते हो और साथ में रोपवे भी जा सकते हो। तो ये दोनों एक जगह पे पार्किंग करके आप कर सकते हो। तो रोपवे तो मैंने कल ट्राई किया था और वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब बहुत बहुत भीड़ है। 1.5 घंटा क्यू में खड़ा रह के फिर टिकट भी नहीं मिला, अंदर भी क्यू लगा हुआ था, तो वो हम छोड़ देते हैं। ज़ू बहुत अच्छा है, यहाँ पे उतना भीड़ नहीं है। 110 रुपये पर हेड टिकट है, उसमें आपको म्यूज़ियम और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और ज़ू घूम सकते हो। बस इतना ही है, अभी वापस जाते हैं। और ये है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम, जो दार्जिलिंग से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन भी छूटता है। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर्विस, पर ये एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए ही है। और आप IRCTC से ये पैकेज बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रेन छूटता है और आगे दार्जिलिंग की तरफ जाता है। वैसे
सिलीगुड़ी से भी घूम के लिए ट्रेन मिलता है और ये बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों की ज़माने का स्टेशन है, पुराना रेलवे स्टेशन है और इसको इसी तरह से रखा हुआ है कि ये वैसा लगे कि ये पुराना रेलवे स्टेशन है। ये आप देखो, दिस इज़ द स्टेशन। ये ऐसा दिखा करता था आज से करीबन 100 साल पहले और ये देखो 1881 पे बना हुआ है और इसका ऑल्टीट्यूड भी इधर लिखा हुआ है 2258 मीटर्स सी लेवल से ऊंचा है। ये म्यूज़ियम का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 बजे से है, तो अभी खुला नहीं है, बस अंदर है इंजन रखा हुआ है, स्टीम इंजन। ये एक्चुअली नैरो गेज लाइन है और ऊपर देखो चलने के लिए रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए ओवर ब्रिज भी बना हुआ है और ये सारे काफ़ी पुराने हैं तो हेरिटेज है अपना। और ये देखो स्टेशन ऐसा दिखता है। और इसी के साथ मेरा दार्जिलिंग ट्रिप ख़त्म होता है। इसके बाद आई टूक ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम दार्जिलिंग टू हैदराबाद इन 3 डेज। आगे न्यू ईयर आने वाला है, होप के आप लोग भी रेडी हो अपने सेलिब्रेशन प्लान के साथ। तो अभी के लिए बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना।